हम राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल में प्रतिस्पर्धा जो है, इंटरनल प्रतिस्पर्धा जो है वो सामान्य बात है और पार्टी भी, हम भी चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा हो, कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा हो और ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने साथ जोड़ने की, लेकिन उस उत्साह में कई मर्यादाओं का पालन बना रहे, मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो, इसका हम प्रयास करते हैं। कहीं एकाध जगह अति उत्साह में कहीं नारेबाजी हुई होगी तो वो ऐसा कहीं कोई संघर्ष की स्थिति कहीं भी नहीं आई है, केवल वो नारेबाजी में जो है लोगों के उत्साह में जो है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए नारेबाजी, इसके अलावा और ज्यादा कहीं हुआ नहीं। परिवर्तन यात्रा में हमारे जो सबसे जो प्रमुख चेहरे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 तारीख को एक विशाल रैली को हल्द्वानी में संबोधित करेंगे और हमारे जो केंद्रीय नेता है, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो है वो 10 तारीख को अपना भगवानपुर में आ रहे हैं, हरिद्वार लोकसभा में। और दूसरा, इस समय देश के अंदर जो बहुत बड़ा चर्चित चेहरा है रक्षा मंत्री का, मनोहर पारिकर जी, वो 12 तारीख को जो है वो देहरादून में टपकेश्वर मंदिर के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। किस तरह से समर्थन मिल रहा है यात्रा, यात्रा का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जो स्थान इंटीरियर के भी स्थान है, जो सीमांत क्षेत्र थे, चाहे वो नेपाल के साथ लगा हुआ टनकपुर का क्षेत्र हो, वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई हमारी। उसी तरीके से धारचूला में जो मुख्यमंत्री का अपना गृह क्षेत्र है, वहां लोग जो है उमड़कर यात्रा में जो सम्मिलित हुए। उसी में जो मुंशारी बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे है, वहां हमारी यात्रा, रात को हमारी यात्रा ने विश्राम किया, वहां पर भी भारी मात्राओं में लोगों ने उसका स्वागत किया। उसी तरीके से जोशीमठ हो, गोपेश्वर हो, गुप्त काशी हो, अगस्त मुनि हो और थराली हो, ये सारे क्षेत्र जो बड़े इंटीरियर के क्षेत्र हैं, जो हिमाचल के साथ लगे हुए क्षेत्र हैं, सभी स्थानों पर जो हमें भारी उत्साह जो लोगों का जो मिल रहा है और हमें लगता है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में। नोटबंदी के फैसले को लेकर विशेष रूप से इंटीरियर में, पर्वतीय क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि काले धन पर इसको रोक लगेगी और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके इसके हित प्रभावित हुए हैं, इस कारण से वो विरोध कर रहे हैं। जनता इस समय चाह रही है कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और सबसे बड़ी आवश्यकता जनता यह महसूस कर रही है कि परिवर्तन सत्ता का नहीं, व्यवस्था का होना चाहिए। कि केंद्र में जो मोदी जी ने सत्ता परिवर्तित तो कई बार हुई, कांग्रेस से हटकर 77 में भी आए हमारी और उसके बाद जनता दल की भी सरकार बनी, हमारी भी सरकार बनी, लेकिन इस सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन करने का एक बड़ा हिम्मत का जो निर्णय लिया है, काले धन को लेकर लिया हो, चाहे वो आधार कार्ड को लेकर लिया हो, बाकी और कई निर्णय उन्होंने लिए हैं, GST को लेकर किया हो, लोग चाह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होने चाहिए। कि रोज रोज की जो रूटीन की जो सरकारें चलती उससे काम नहीं होने वाला, कोई ऐसा परिवर्तन हो जिससे जनता को सीधा लाभ हो और लोगों के अंदर उत्साह है और लोगों की उम्मीद है और उस उम्मीद पर भारत के प्रधानमंत्री जो है कामयाब होंगे, ऐसा हमको लगता है। उत्साह इतना भी नजर आ रहा है कि कई जगह पर तो आपके खुद के नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप साथ 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 नहीं, 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 नहीं ऐसा धर्मपुर में एक नेता ने एक को पिटवाया, दूसरे नेता ने दूसरे को, नहीं ऐसा 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 कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उत्साह है। उत्साह में कहीं नारेबाजी, राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उत्साह में नारेबाजी होगी, जोश भी आएगा, आवेश भी आएगा, और लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मर्यादाओं को समझते हैं और मर्यादाओं में रहकर ही जो काम को करते हैं। नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ, वो हंगामा अब क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ थोड़ा सा अगर होता है तो वो चर्चा को कि हमारे यहाँ नहीं होता और कहीं एक आध कोई घटना होता है, कहीं कोई कोई घटना नहीं हुई ऐसी, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा कोई विषय कहीं था ही नहीं। नहीं, भाजपा में अंदर जो है सब सामाजिक तत्व हैं और भाजपा जो अच्छे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें आप सब लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। धन्यवाद।